शिमला महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास परिषद रश्मिधर सूद ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 7 अगस्त को हथकरघा दिवस का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि हथकरघा हमारे प्रदेश की ग्रामीण जनता की जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए हथकरघा को हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसी मुहिम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश 7 अगस्त को खादी की वस्तुएं को बड़ी मात्रा में खरीदेंगे और पहनेंगे, साथ ही पूरे प्रदेश की जनता को इस मुहिम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। 7 अगस्त 2015 को नरेंद्र भाई मोदी जी ने हथकरघा राष्ट्रीय दिवस और हैंडलूम दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि ये हमारे देश की हमारे प्रदेश की एक बहुत कड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हथकरघा वस्तुओं से निर्मित चीजें जो हैं, उन्हें हमें इस्तेमाल करना है, हैंडलूम को इस्तेमाल करना है। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इस हथकरघा दिवस पर और हैंडलूम दिवस पर आने वाले जो हमारे हाथ के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको जनता तक पहुँचाए, उसको पूरे प्रदेश में उनको पॉपुलर करे, ताकि हमारे जो उद्यमी हैं, जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो इन कामों में लगे हुए हैं, उनको समाज में एक नाम मिले, पहचान मिले। आइए इस दिवस 7 अगस्त को हम मिलकर हथकरघा दिवस के लिए लोगों को प्रेरित करें और महिला मोर्चा जो है इसमें अग्रणीय भूमिका निभाए, और आने वाले समय में 7 तारीख को आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने बनाए हुए उत्पादों को और हैंडलूम वस्त्रों को पहनकर अपनी सेल्फी खींचें और जनता को भी प्रेरित करें और सोशल मीडिया पे डालें, और हम 7 अगस्त को बहुत खूबसूरती से। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।